नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बर्मा वित्त मैथ 2014 में आज हम वर्क एंड टाइम का पार्ट नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसमें अकेले ए, अकेले बी, अकेले सी काम कैसे करेगा, जिसमें जोड़े में व्यक्ति काम कर रहे हों। तो हमारे पास यहाँ टॉपिक क्या है, पहला क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को कितना 20 दिन में, जबकि बी और सी मिलकर कितना 15 दिन में, सी तथा ए मिलकर इसे 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए बी सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है, बहुत मजेदार ट्रिक है। तो यहाँ कितना ए प्लस क्या आपका बी, मतलब ए बी मिलकर कितना 20 दिन में, और बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में आपका 15 दिन में, सी प्लस ए मिलकर कितना आपका 12 दिन में। तीनों निकालो क्या आपका एलसीएम, तो 20 15 12 का एलसीएम कितना आपका 60 आएगा। और 60 हमने बताया था पिछले वीडियो में, 60 क्या है आपका टोटल काम है, और 20 से निकालो भाग करो 60 को, 20 त्याई 60 तीन बार जाएगा, और तीन क्या ए प्लस बी की जो कार्य क्षमता कितना दिनों की 3 है, और 15 चौका 60, बी और सी का कितना 4 है, सी और ए कितना आपका 12 पंचे 60 कितना आपका 5 है। तो बोल रहा है इसमें क्या कि तीनों मिलकर, तो हमने बताया था कि तीनों का जोड़ो तो क्या था सीधा आता है 2a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि यहाँ a दो बार है, b दो बार है, c दो बार है, इसे 2 यहाँ पे कम है। टोटल काम कितना 60 काम, भाई तीनों मिलकर काम करेंगे कितना आपका 4 3 7 7 5 12, 12 से उसको भाग कर दो, 12 पंचे 60 कितना 5, तो यहाँ 2a प्लस बी प्लस सी इसको कितना आपका 5 आ रहा है। तो भाई इसमें क्या जोड़े में काम करे तो 5 दिन हो जाएगा, जोड़े में काम करे क्या 5 दिन में ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन भाई मैं अकेले ए अकेले बी सी मिलकर पूछा गया है, तो ये दो हटाएं तो क्या दो से क्या गुणा होगा, तो मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी, इसका मान क्या होगा, तो हमेशा क्या 5 का हमेशा दो से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 5 दुना 10, जो कि क्या 10 दिन में ए बी सी मिलकर काम को पूरा करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर होगा। तो हमेशा यहाँ पे क्या होता है दो से गुणा, अक्सर क्वेश्चन लोग यहीं पर गलती करके आते हैं, जो कि ऑप्शन भी नहीं है आपका, और ठीक है अगर होगा भी तो आपका आंसर सही भी नहीं होगा। आपका नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर एक कार को 8 दिन में, जबकि बी और सी मिलकर इसे 12 दिन में, तथा सी ए मिलकर इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो भाई जोड़े में काम दिया गया है और अकेले सी का पूछा गया है, इसके थोड़ा सा मैटर क्या अलग है, मैं ट्रिक थोड़ा सा अलग है, बस एक बार सीख जाएंगे तो आप पूरा क्वेश्चन उड़ा देंगे, चाहे अकेले ए चाहे अकेले बी चाहे अकेले सी पूछे। तो यहां से पहले क्या आपका ए प्लस क्या आपका बी, फिर क्या है बी प्लस सी, फिर क्या आपका सी प्लस ए, तीन वैल्यू हम दे रखी है। तो पहला कितना आपका 8 दिन, दूसरा कितना आपका 12 दिन, तीसरा कितना आपका 15 दिन, तीनों का एलसीएम भाई कितना 12 15 और 8 का जो लासा आएगा कितना 120, टोटल आप कितना 120 है, इनकी निकालो कार्य क्षमताएं कितनी होंगी, 15 120 ए प्लस बी की करना कितना 15 है, 12 दाम 120 कितना होगा 10 होगी, 15 120, तो इनकी कार्य क्षमताओं क्या जोड़ना है। सब भाई जोड़े में है, ए दो बार है, बी दो बार है, सी दो बार है, तो यहाँ 2 ए प्लस बी प्लस क्या सी इज इक्वल टू कितना होगा, तो यहाँ जोड़िए इसको, 15 और 10 कितना होगा 25, 25 60 क्या होगा 35 क्या होगा, अब की इनकी क्षमताओं जोड़ के क्या इसके बराबर रखना है। अगला काम क्या है, दो से क्या इसको डिवाइड कर दो, यहाँ क्या मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी इसकल टू कितना मिलेगा 33 बटा क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा। अब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 33 बटा 2 है, अब जिसका मान निकालना है सी निकालना है तो सी बचा लो, तो क्या बचा आपका ए बी बच गया, और ए बी की जो कार्य क्षमता कितनी यहाँ पे 15 है, यहाँ कितना 15 प्लस क्या है सी इसकल टू कितना 33 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो सी की वैल्यू यहाँ कितना है पास 33 बटा 2 माइनस कितना आपका 15 हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू कितना 15 दूना 30, 33 से क्या 30 कितना का 3 बटा कितना आपका 2 आ जाएगा, तो सी की जो कार्य क्षमता के लिए कितना 3 बटा 2 है, और टोटल काम क्या है हमारे पास 120 काम है, इससे भाग कर दो कितना 3 बटा 2 से कितना 120 गुणे 2 बटा क्या जाएगा 3, और 3 चौका 12 कितना 40, और 40 दिनों कितना होगा आपका 80, तो क्या होगा पाया सी अकेले उस काम को 80 दिन में पूरा कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर एक कार को 5 दिन में, जबकि बी और सी मिलकर इसे 7 दिन में,
और सी तथा ए मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो अकेला ए इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो अकेला ए पूछा गया है, अब चाहे ए पूछे चाहे बी पूछे आपको निकालना सेम ऐसे है। सबसे पहले काम क्या आपका ए प्लस बी का एलसीएम, ठीक है, बी प्लस सी, सी प्लस क्या होगा ए, ये कितने दिन में आपका 5, एक तब का 7, एक तब का 4, तीनों को क्या निकालेंगे एलसीएम। भाई तीनों में कोई संख्या क्या कॉमन नहीं है तो मतलब कि सबका मल्टीपल ही इसका क्या होगा लासा होगा, तो 5 का 20, 20 × 7 कितने का 140। तो टोटल काम कितना है पास है 140 काम है। इसकी निकाल लो कार्य क्षमता ए प्लस बी की, तो कितना होगा 5 × 10, ठीक है 5 × 10 5 × 8 = 40, तो कितना होगा इसका, इसकी जो कार्य क्षमता कितना है 28 है, यहाँ 7 × 14 कितना इसका 20 आएगा, यहाँ पर 4 × 3 = 12 और 4 × 5 = 20, तो इसकी कितना कार्य क्षमता 35 है आपकी। अब कहानी हमारे पास वही क्या है, सबको जोड़े में काम हो रहा है, सबका काम जोड़े में हो रहा है, तो क्या मैं समझता ये 2a + b + c इजकल टू, तो यहाँ था कि कार्य क्षमताओं को हमेशा जोड़ के बराबर रखेंगे, तो 28 और 35 और प्लस 20 सबको जोड़ेंगे तो क्या रहेगा 8 × 5 = 13 क्या रहेगा 3 हो जाएगा, 3 × 2 = 5, 5 × 2 = 7, 7 × 1 = 8 कितना है 83 हो गया। तो बटन जो रहेगा ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू कितना 83/2 कितना रहेगा 2 हो जाएगा। अब कहानी क्या है, ए निकालना है तो ए को बचा लो, यहाँ कौन बचा बी सी, और बी सी के देखो बी सी की वैल्यू कितना है पास कितना कर 20 है, तो कितना ए प्लस कितना होगा 20 इसको 83/2 हो जाएगा, यहाँ ए की जो वैल्यू आएगी कितना 83/2 माइनस कितना 20 हो जाएगा, तो ए इसकल टू कितना लेगा 20 × 2 = 40, 83 से 40 कितना जाएगा 43/2 बच जाएगा। इसकी क्या है अकेले कार्य करने की क्षमता कितना 43/2, तो भाई टोटल काम कितना आपका 140, तो इसको अकेले कितने दिन पूरा करेगा, तो एज कल टू कितना 140 / कितना आपका 43/2 हो जाएगा, या कितना 140 × 2 = 43 हो जाएगा, तो 140 × 2 = 280 = 43, जो कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ए अकेले कितना 280/43 दिन में काम को पूरा कर देगा। इससे बेहतरीन ट्रिक और नेक्स्ट आपका चौथा क्वेश्चन है कि यदि ए किसी एक कार को 4 घंटे में, बी और सी मिलकर इसे 3 घंटे में और सी तथा ए मिलकर इसे 2 घंटे में समाप्त कर सकते हैं, बी अकेला इसे कितने घंटे में समाप्त करेगा। तो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन का लफड़ा वाला हो गया क्योंकि यहाँ पर ए का कोई साथी नहीं है, बी का साथी सी है और सी का साथी कौन ए है, तो करना क्या है सेम वही अकेले ए अकेले बी सी के लिए जो हमने पिछले क्वेश्चन ट्रिक बताई है, तो यहाँ के लिए ए यहाँ क्या होगा बी प्लस क्या होगा सी, यहाँ क्या होगा सी प्लस ए होगा, ये कितना आपका 4 घंटे में, ये 3 घंटे में और कितना आपका 2 घंटे में, तीनों का एलसीएम कितना आपका 12 आएगा, टोटल का कितना आपका 12 है, तो 4 × 3 = 12, ए की जो कार्य क्षमता होगी 3 होगी, बी प्लस सी की कार्य क्षमता 4 × 3 = 12, 2 × 6 क्या होगा 12, ठीक है, तो ये क्या कार्य क्षमता है, तो यहाँ देखेंगे ए कितनी बार, एक यहाँ है और एक ये यहाँ पर कितना होगा 2a हो जाएगा आपका, बी एक ही बार है तो बी रहेगा प्लस कितना सी कितनी बार 2 बार इक्वल टू क्या सबकी कार्य क्षमताएं जोड़ लो यहाँ पे 4 × 3 = 7, 7 × 6 = 13 हो जाएगा, ठीक है 7 × 6 = 13 हो गया, तो यहाँ 2a और क्या 2c और यहाँ बी अकेला है तो यार यहाँ 2 कॉमन लेंगे और क्या होगा ए प्लस सी और प्लस क्या होगा बी इक्वल टू क्या रहेगा 13। अब यहाँ में बी का मान तो निकालना है तो ध्यान दीजिए क्या ए सी को गायब करना है, तो ए सी ए सी यहाँ पर ए सी की जो कार्य क्षमता कितना 6 है उठा के यहाँ 6 रख दो, तो 2 × कितना आएगा 6 और प्लस क्या जाएगा बी इक्वल टू क्या जाएगा 13, तो बी इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा 13 माइनस क्या जाएगा 12 और बी इक्वल टू कितना 1 आ जाएगा, ठीक है। अब कहानी हमारे पास क्या है कि भाई क्या बी की जो अकेले काम करने की क्षमता है कितना 1 है, तो भाई टोटल काम कितने सॉल्व करेगा, इसलिए मेरे पास क्या होगा ठीक है बी इक्वल टू कितना टोटल काम 12 है, इसकी क्षमता 1 है, 1 से भाग करेंगे तो 12 × 12 कितना होगा 12 घंटे में अकेले बी क्या करेगा काम को समाप्त कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा आपका। पांचवा क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 12 दिन में जबकि बी इसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है, ए बी सी मिलकर इसे 5 दिन में कर सकते हैं, तो अकेला सी इसे कितने दिन में पूरा करेगा।
तो भाई अकेले के लिए क्या ट्रिक सेम वही जो हमने पिछले क्वेश्चन बताया आपका। तो यहाँ क्या ए है और यहाँ क्या आपका बी, और यहाँ तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितने दिन में, ये आपका 12 दिन में, ये कितना आपका 10 दिन में, ये ए बी सी कितना आपका 5 दिन में, तीनों का एलसीएम कितना आपका 60 आएगा, 12 पंचे 60, ए की जो कार्य क्षमता होगी कितना 5, बी कितना होगी 6 दहम 60, कितना होगा 12 पंचे कितना होगा 60, क्या होगी ए प्लस बी प्लस सी की जो कार्य क्षमता कितना होगी 12 होगी। तो वही कहानी है, यहाँ पर कितना ए कितनी बार है 2 बार, ये कितना होगा 2a, यहाँ b कितनी बार है 2 बार, कितना होगा 2b, और प्लस क्या होगा c, और यहाँ हमने बताया कार्य क्षमताओं को जोड़ लेते हैं, 6 5 11 11 12 कितना होता आपका 23, ठीक है कितना होगा 23 होगा, 11 12 कितना होगा 23 होगा। तो यहाँ में निकालना सी का है, तो सी बच गया है, इन दोनों में क्या है 2 कॉमन है, यहाँ क्या ए प्लस बी और क्या प्लस सी इक्वल टू कितना होगा 23 हो जाएगा। तो हमें सी को बचाना है, ए बी को गायब करना है, तो ए बी की कार्य क्षमता कितनी होगी, तो भाई ए कितना आपका 5 है, बी कितना है 6 है, तो 6 5 11, तो यहाँ जाएगा 2 × 11 प्लस सी इक्वल टू कितना आपका 23, तो सी इक्वल टू कितना आएगा 23 माइनस 11 × 22 माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो सी की जो कार्य क्षमता अकेले की है वो कितनी है आपकी 1 है, टोटल काम कितना आपका 60 है, इसको करने में हमें कितना दिन लगेगा, तो 1 से भाग करेंगे तो 60 करने में 60 कितना है आपका 60 दिन लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा आपका। अगर ट्रिक अच्छी है तो वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक।